शृणु देवी पर्यवेक्षामी कुंजगस्त्रोत्मुत्मम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापे शुभ भवेत। न कवचम नारगला स्त्रोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम चैन न सोना चावार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुहात्रम देवी देवानमपि दुर्लभम गोपनीयम प्रतनेन सोयोनेरी पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्थमुना चाण्डनादिकम पाठ मात्रेण संसिधेत कुंजिका स्त्रोत्मुत्मम। ओम ऐं हैं क्लीं चामुंडा विच्चे ग्लुंग हुंग क्लिंग जुंगसा हा ज्वालाय ज्वालाय ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल एंग हेंग क्लिंग चामुंडा विच्चे ज्वाल हंग सांग लंग सांग फट स्वाहा। राधे राधे। मैं पंडित नंद किशोर भारद्वाज फिर एक बार आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने के लिए सबरंग चैनल के माध्यम से हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे इस हफ्ते की पहली चंद्र राशि मेष एरिस। धन संतान तथा शारीरिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। जो जिम जाने वाले बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करने वाले हैं इस हफ्ते और उनको उसका अच्छा फल भी मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा यानी कुछ आपके साथ अचानक से कुछ शुभ घटनाएँ हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे इस हफ्ते, आप खूब मौज मस्ती करेंगे। इस हफ्ते लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ है। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी चंद्र राशि वृषभ राशि टॉरस। इस हफ्ते आपके दिल और दिमाग दोनों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहने वाली है, तो फिजूल का ना सोचें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना आपको थोड़ा डिप्रेशन टाइप कुछ हो सकता है। जीवन साथी को लेकर आप थोड़ा चिंतित रहने वाले हैं, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। किसी भी वाद विवाद से बचें, खासकर कार्यस्थल पर, जहां पर आप काम करते हैं या जहां आपका व्यापार है, अपने साथी लोगों से आपको वाद विवाद से बचना है। धन और अपनी भावनाओं दोनों को आपने कंट्रोल रखना है। धन भी बहुत खर्च होने वाला है इस हफ्ते, ऐसे योग बनते हैं और भावनाएं आपकी आहत हो सकती हैं, यानी कि आपकी फीलिंग हर्ट हो सकती है। घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरी राय है कि वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, चोट लगने के योग हैं उनको। चलिए चलते हैं हमारी तीसरी चंद्र राशि मिथुन जैमिनी। इस हफ्ते किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, खासकर महिला मित्र से, पुरुषों के लिए है। सप्ताह की शुरुआत में चोट लगने की संभावना बन रही है, आपको थोड़ा गाड़ी ध्यानपूर्वक चलानी है और सड़क पर चलें तो थोड़ा सावधान रहें। 14 और 15 तारीख अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, मतलब व्यापार या आपको नौकरी में फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे थे, हो सकता है उनको प्रमोशन हो कि कहीं और जॉब मिल जाए। जॉब वाले लोगों को इस हफ्ते नई जॉब भी ऑफर आ सकती है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको इससे ज़्यादा अच्छी सैलरी देंगे, तो ऐसे भी योग बन रहे हैं। आपको इस हफ्ते काले रंग से परहेज रखना है, काला रंग आपके लिए अनलकी है। चलिए चलते हैं हमारी चौथी राशि कर्क राशि कैंसर। इस हफ्ते विवाह योग्य लोगों के, यानी जो शादी के लायक लोग हैं, उनके रिश्ते होने के योग बन रहे हैं, या अगर बातचीत चल रही है तो वो फाइनल हो सकती है। प्रोफेशनल कारणों से यात्रा हो सकती है, यानी ऑफिस वर्क से या जॉब वर्क से आप जा सकते हैं कहीं यात्रा पर, ऐसे योग बनते हैं आपके। मैकेनिकल टूल और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों को इस हफ्ते लाभ मिल सकता है, खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वालों को, रियल एस्टेट वालों को ये वीक फायदेमंद रहेगा। आपको इस हफ्ते ब्लैक कलर से परहेज रखना है, आपके लिए अनलकी है, और वाइट कलर आपके लिए इस हफ्ते बहुत शुभ है। चलिए चलते हैं हमारी पाँचवीं राशि सिंह राशि लियो। इस हफ्ते की शुरुआत में स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी जो उनको पढ़ना चाहिए उतना वो नहीं पढ़ेंगे। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें और बेकार की किसी भी बहस से बचें। ये नौकरी वाले लोगों के लिए स्पेशल सलाह है कि वो किसी भी तरह का विवाद से बचें, उन पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। किसी भी कारणवश किसी भी कानूनी क्रिया से दूर रहें, कहीं सड़क पर लड़ाई झगड़ा या बहस से बचें, वरना आप पे पुलिस केस भी हो सकता है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप सूर्य देव पे दूध चढ़ा कर आएँ, ये आपके लिए शुभ है इस हफ्ते के लिए।
और लाल रंग आपके लिए शुभ है, लाल और नीला। इस हफ्ते आपके लिए लाल और नीला रंग शुभ है। चलिए चलते हैं हमारी छठी राशि कन्या विरगो। इस हफ्ते की शुरुआत में आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, यानी टेंशन में रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। 13 और 14 तारीख इन्वेस्टमेंट के मामले में आपके लिए अच्छी है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप कर दीजिए, ये फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी। जन्म स्थान से दूर या विदेश से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी कोई डील थी या कोई प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसमें सफलता इस हफ्ते आपको मिल सकती है। सप्ताह के अंत में स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ाई के मामले में परेशान रह सकते हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लें। इस हफ्ते नहीं होगी तो नेक्स्ट वीक आप ज़रूर करेंगे, ये थोड़ा वीक स्टूडेंट्स के लिए ख़राब है। चलिए चलते हैं हमारी सातवीं चंद्र राशि तुला राशि लिब्रा। सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा बेचैन रहेगा, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करूं क्या ना करूं। इस हफ्ते आप बीमार भी पड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। जॉब वाले जो जॉब करते हैं ना लोग, उनको इस हफ्ते स्पेशली कुछ शायद ऑफिस में एक उनकी इमेज कुछ बढ़ चढ़ कर सामने निकल कर आएगी, मान सम्मान मिलेगा उन्हें। शेयर मार्केट और सट्टेबाजी से दूर रहें, और जो रियल स्टेट और मैं आपको क्या बताऊं, हाँ, जो कपड़े का काम करते हैं, यह वीक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, फैब्रिक से रिलेटेड लोगों के लिए। और आपको इस हफ्ते हरा रंग सूट करता है, आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं और हरा रंग पहनकर जाएंगे तो ग्रीन कलर आपको महारानी जरूर सफलता दिलाएगी। चलिए चलते हैं हमारी आठवीं राशि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को लाभ मिलेगा यह हफ्ता, यह वीक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस वीक आप अपने आप को बहुत ताकतवर और फ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा मेरे लिए सब कुछ बहुत इजी है। थोड़ा ख्यालों की दुनिया में भी रहेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको सफलता मिलेगी। कुछ नए कार्य भी बन सकते हैं, कोई नई जॉब मिल सकती है या कुछ नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा, लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ है इस वीक, और आपको नीले रंग से दूर रहना है, ब्लू कलर से आपको दूर रहना है, ब्लू और पर्पल। चलिए चलते हैं हमारी नौवीं चंद्र राशि धनु सैजिटेरियस। इस वीक नया बिजनेस या नई नौकरी मिलने के योग हैं, तो अच्छी खबर है आपके लिए, बस आपको जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी आपको नुकसान देके जाएगी। धन के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, हो सकता है जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनका इंडिया जाने का प्रोग्राम बन रहा हो तो वो भी सक्सेस हो सकता है। बस इस वीक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, खासकर पेट का और कंधों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी स्पेशली मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं, कुछ नुकसान हो सकता है। इस वीक आपके लिए येलो कलर लकी है, और आपको पर्पल कलर और ग्रीन कलर से दूर रहना है। चलिए चलते हैं हमारी दसवीं राशि मकर राशि कैप्रिकॉर्न। वीक की शुरुआत में कुछ काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन टेंशन ना लीजिए, अंत होते होते सब बढ़िया होगा। रुके हुए पैसे भी वापस मिलने के योग हैं, अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है या इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको इस वीक मिलने की पूरी उम्मीद है। 13-14 तारीख आँख और पेट से रिलेटेड कुछ आपको नुकसान हो सकता है या परेशानी हो सकती है, तो आपको सावधान रहना है। 14-15 तारीख फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर माता पिता से, तो आपको किसी भी विवाद से उनसे बचना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है। सप्ताह के अंत में आर्थिक लाभ रहेगा, आर्थिक लाभ मीन्स फाइनेंशियली कुछ आपको लाभ मिल सकता है। चलिए चलते हैं हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि एक्वेरियस। वीक की शुरुआत में कुछ नुकसान होने के योग बनते हैं जो आपकी समझदारी से टल सकते हैं, क्योंकि इस वीक आप थोड़ा समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं, लेकिन कुछ जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान देकर जाएंगे। प्राइवेट जॉब वालों को 12-13-14 तारीख धन लाभ के योग दिखते हैं, या उनको नई जॉब मिल सकती है या कुछ कहीं से फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जिससे
जिसको हम लाभ की गिनती में लेते हैं। कोर्ट केस में सफलता मिल सकती है, जिनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है इस वीक, अगर उनकी कोई डेट है तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। खासकर मैं 10 से 15 साल की उम्र के स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा कि उनकी पैरों में चोट लग सकती है, तो उनको सावधान रहना होगा। चलिए चलते हैं हमारी 12वीं चंद्र राशि, मीन राशि पाइसेस। यह वीक छोटे बच्चों के साथ दुर्घटना या बीमारी का योग दिखाता है, तो आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है और सावधान रहना है। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, तो आपको बहुत ही शांत स्वभाव के साथ यह हफ्ता, यह वीक निकालना पड़ेगा। वीक के मिड में कहीं से कुछ लाभ मिल सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संयम और पेशेंस के साथ पेश आना है। शारीरिक कष्ट होने के योग हैं शुक्रवार और शनिवार, तो आपको थोड़ा अपने लिए भी सावधान रहना होगा बच्चों के साथ साथ। सप्ताह के अंत में थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, टेंशन वही होगी या तो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ यह वीक गुजारना होगा और अपने ऊपर टेंशन को हावी नहीं होने देना है। ये मेरी आपको सलाह है। आपको पीले रंग से फ़ायदा मिलेगा इस हफ्ते, तो जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो मैं आपको सलाह दूंगा आपको येलो कलर धारण करना चाहिए। तो ये था इस वीक का हॉरोस्कोप। आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। राधे राधे, शाम मिला दे।